हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाने जा रहे हैं ब्रेड पुडिंग। तो ये यमी सी ब्रेड पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले एक ब्रेड को इस तरह से स्क्वायर पीसेस में कट कर लेंगे, उस स्लाइसेस लेंगे, उनके किनारे निकाल दिए हैं और उनको इस तरह से कट कर लिया है। और इसके बाद इनको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। तो एक कढ़ाई को गैस पर रख लिया है और गैस को ऑन किया है। इसमें हम घी का यूज कर रहे हैं, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें मस्टर्ड ऑयल का यूज ना करें। मैंने इस समय घी का यूज किया है, ये घर का बनाया हुआ घी है। तो जितना हमें ब्रेड को फ्राई करने के लिए जितने घी की जरूरत है उतना इसमें डाल लेंगे। ऑयल, ये घी गर्म हो गया है, हल्का सा गर्म हुआ है। इसको तेज आंच पर फ्राई नहीं करना है ब्रेड को, और बहुत लाइट गोल्डन कलर इसको का फ्राई करना है। आंच को सिम ही रखना है। इनको पलट पलट कर एक एक जैसा सेकना है दोनों साइड से। ब्रेड बहुत जल्दी सिक जाती है, इसलिए इसको लगातार पलटते रहना है, जिससे इसका इवन जैसा कलर आए, इवन एक सा कलर आए। ये इसका परफेक्ट कलर आ चुका है, बस इतना ही इसको हल्का सा ब्राउन करना है और इनको निकाल लेंगे जल्दी से। और इसी तरह सारी ब्रेड को हम फ्राई कर लेंगे। इन्हें एक सोकिंग पेपर पर निकाल लिया है। ब्रेड को अगर छोटे छोटे बैचेस में फ्राई करेंगे, थोड़े थोड़े पीसेस डालेंगे, तो ये घी को कम एब्जॉर्ब करती है। ये सारे पीसेस को फ्राई कर लिया है। अब इसी कढ़ाई को साफ करके और इसमें हम थोड़ी एक रबड़ी तैयार करेंगे। तो ये पैन को साफ कर लिया है, इसका घी हटा दिया है, गैस को फिर से ऑन किया है और इसमें हम 350 ml दूध डाल रहे हैं और इसको थोड़ा सा गर्म करना है। ये दूध हल्का सा गर्म हो गया है तो गैस को अब ऑफ कर रहे हैं। ये रबड़ी तैयार करने के लिए हमने रेडीमेड एक मिक्सचर लिया है, कई कंपनीज का मिलता है मार्केट में, आप कोई भी ले सकते हैं। ये 100 ml का पैक है, 100 ग्राम का पैक है और इसे करीब 500 ml रबड़ी बनेगी। तो इसके पाउडर को इसमें मिक्स कर देंगे, ये पूरा पाउडर इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है दूध में पहले। पहले इसको इस तरह से मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स ना रहे, और उसके बाद दोबारा गैस को जलाएंगे। इस पाउडर को दूध में मिक्स कर लिया है और अब गैस को जला रहे हैं। इसे लगातार चलाते हुए 10 से 15 मिनट तक पकाना है, जितनी भी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए उतनी देर इसको पका लेंगे तो ये रबड़ी तैयार हो जाएगी। और वैसे आप अगर ट्रेडिशनल स्टाइल से रबड़ी बनाते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है। ये मैंने इस समय इंस्टेंट रबड़ी का पैक यूज किया है, लेकिन मैंने अपने एक चैनल पर इंस्टेंट रबड़ी बनाने का बहुत इजी तरीका डाला हुआ है, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दूंगी। तो आप उस तरीके से भी रबड़ी बना सकते हैं जिसमें आपको इस पैकेट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास ये ना हो रेडीमेड मिक्स, तो आप उस लिंक पर जाकर रबड़ी बनाने का प्रोसेस देख सकते हैं। इस रबड़ी को हमने 10 मिनट तक पका लिया है और ये थोड़ी सी थिक हो गई है। तो इस समय हम एक पुडिंग के लिए बाउल लेंगे, जिसमें हमें इसको सेट करना है पुडिंग को। जो ये रबड़ी बॉईल हो रही है, इसमें एक एक ब्रेड का स्लाइस लेकर जल्दी से डिप करके निकालना है हमें। और ये जो जिसमें हमें पुडिंग को सेट करना है, इसमें हम इनको अरेंज कर लेंगे सारे पीसेस को एक एक करके। इस तरह से इसको पूरा लेयर्स में अरेंज कर लेंगे। तो ये 2-3 लेयर में हमने ब्रेड को सेट कर दिया है। 10 मिनट इस रबड़ी को और पका लिया है और ये अब काफी थिक हो गई है, काफी कम भी हो गई है। ये इतनी इसकी कंसिस्टेंसी है, जो कि अभी रखने के बाद ठंडा करके और ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो अब इसको हम गैस को ऑफ कर रहे हैं और इस रबड़ी को केवल रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, ठंडा भी नहीं करना है इसको और ये ज्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए। और ये रबड़ी में वैसे तो आपको शुगर मिलाने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत अच्छी हल्की शुगर होती है, लेकिन अगर आपको जरूरत लगे तो आप इसमें थोड़ी बहुत चीनी अपने मन से डाल सकते हैं। इसको हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है रबड़ी को और ये देखिए अब काफी और ज्यादा गाढ़ी हो गई है। जो ब्रेड के स्लाइसेस अरेंज करके रखे थे, इसके ऊपर इस रबड़ी को अच्छी तरह से बिछा देंगे, फैला देंगे अच्छी तरह और बिल्कुल स्मूथ एक लेयर ऊपर से बना देंगे इसकी रबड़ी की। सारी ब्रेड को इससे अच्छे से कवर कर देना है।
और इसके ऊपर एक ड्राई फ्रूट्स की लेयर डाल रहे हैं, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स अपने मन से कोई भी ले सकते हैं। इसमें काजू बादाम और अखरोट हमने लिए हैं, चिरौंजी डाल सकते हैं इसमें, इलायची पाउडर वगैरह कुछ भी आप डाल सकते हैं। वैसे ये जो रेडीमेड मिक्स है इसमें सभी कुछ होता है, इसके अंदर सैफरन भी होता है, ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं और साथ ही इलायची वगैरह सभी कुछ होती है इसमें, नट्स भी होते हैं। तो ये अपनी मन से आप कम या ज्यादा कैसे भी डाल सकते हैं नट्स को। एक लेयर हमने इसकी बिछा दी है ऊपर से ड्राई फ्रूट्स की, और इसको आप पूरी तरह से ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसे अच्छे से ठंडा करके ही सर्व करना है, तो इसे आप फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। इसे हमने 2 घंटे फ्रिज में रखा था और अब इसको निकाल लिया है। देखिए कितनी टेस्टी सी पुडिंग तैयार है, इसको निकाल लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।